जेल में बंद माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने अपने समर्थकों संग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में गुरुवार को बसपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। मुख्य अतिथि चीफ कोऑर्डिनेटर प्रयागराज घनश्याम चंद्र खरवान ने सभी को सदस्यता दिलाई। अलोपी बाग स्थित सरदार पटेल संस्थान में बसपा ने मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन शाइस्ता को सदस्यता दिलाने के लिए किया। शाइस्ता के बसपा में शामिल होने को प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। अतीक जून 1995 में लखनऊ में हुए गेस्ट हाउस कांड के आरोपियों में शामिल है। इसके चलते अतीक हमेशा मायावती के निशाने पर रहे और मायावती और अतीक अहमद दो विपरीत ध्रुव की तरह देखे जाते थे। उल्लेखनीय है कि मायावती ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में अतीक का कार्यालय गिरवाने के साथ उनकी संपत्तियां जब्त करवा कर जेल भेजा था। बसपा विधायक राजू पाल की हत्या होने पर अतीक के भाई अशरफ के खिलाफ मायावती ने कड़ी कार्रवाई की थी। अब शाइस्ता के बसपा में शामिल करने के निर्णय पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। शाइस्ता ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से नाता तोड़कर बसपा का दामन थामने का निर्णय लिया था, जिसकी चर्चा जोरों पर थी। पहले इसे गोपनीय रखा गया था, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी तो बसपा के पदाधिकारियों ने उनके पार्टी में शामिल होने पर हामी भर दी थी। बसपा जिलाध्यक्ष टीएन जैसल ने कहा कि इसको लेकर सारी तैयारी पहले ही कर ली गई थी। दरअसल बसपा दलित मुस्लिम गठजोड़ के साथ राजनीति में नया पैतरा खेलने की तैयारी में है। शाइस्ता को प्रयागराज में नए मुस्लिम चेहरे के तौर पर जनता के बीच लाने की रणनीति अपनाई जा रही है। अति आवश्यक कार्यकर्ता सम्मेलन आलोपी बाग सरदार पटेल सेवा संस्थान में संपन्न हुआ है। आज का यह कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को बताने के लिए, कार्यकर्ताओं में जो नए बदलते परिवेश में कार्यकर्ताओं को आंदोलित करने के लिए बुलाया गया था। और आज ऐसे मौके पर श्री अतीक अहमद, पूर्व सांसद पूर्व विधायक की धर्मपत्नी आदरणीय शाइस्ता परवीन जी बहुजन समाज पार्टी में सम्मिलित हुई हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर उनको आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई है। कैसे भी होंगी आगामी चुनाव? अब जब अभी तो चुनाव नहीं दिख रहा है, अब जब भी जैसा होगा फिर बाद में बात किया जाएगा। और अगर वो लड़ना चाहेंगे तो हम लोग तरफ से आदरणीय बहन जी से निवेदन करेंगे। अच्छा, इससे पार्टी को कितना लाभ होगा जो आज ज्वाइनिंग कराई गई है, क्या असर पड़ेगा पार्टी पर? बहुजन समाज पार्टी, देखिए बहुजन समाज बनाने का काम मानवर कांशीराम साहब ने, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने शुरू किया था। और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए सबकी ज़रूरत पड़ती है। और आज बहुजन समाज पार्टी में तमाम हजारों लोग आज बहुजन समाज पार्टी में विभिन्न दलों को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, जिससे बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी। ये बताए, बीएसपी का एक नारा था कि चढ़ गुंडों की छाती पे, बटन दबेगा हाथी पे, लेकिन उल्टा नहीं हो रहा है कुछ? देखिए, कौन गुंडा है कौन क्या है वो अदालत निश्चित करेगा, उसके पहले हम आपको ही कुछ नहीं कह सकते। ये तो एक पक्षीय न्याय की बात लोग करते हैं। और देखा जाए तो आज जो तमाम ऐसे जात विशेष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो एक तरफा कार्रवाई होती है। हम ऐसे 2007 में बीएसपी की जब सरकार बनी थी तो जो न्याय था, जो आपकी भाषा में, वो यहीं से शुरू हुआ था। और बुलडोजर उस समय भी इनकी संपत्तियों पर चलाया गया था। शामिल कराया है। उस समय क्या था, क्या परिस्थिति थी, बदलती परिस्थिति में आदमी को बदलना चाहिए। और तब की स्थिति और थी, आज की स्थिति और है। अनुशासन तो सीख जाएंगे अभी बोले तो, जब आपने सुन लिया है। और कुल मिला करके बहुजन समाज पार्टी सभी का सम्मान करती है, सबको साथ लेकर चलने का काम करती है। बहुजन समाज पार्टी आने वाले दिनों में बहुत विस्तार करेगी और हम उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे, केंद्र में हम बैलेंसिंग पावर में आने का काम करेंगे। इससे क्या मुस्लिम समुदाय बसपा से जुड़ेगा? बिल्कुल जुड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम समाज हमेशा समाजवादी पार्टी को वोट दिया और इस चक्कर में वोट दिया कि भारतीय जनता पार्टी को हम सत्ता से हटाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी। मंडलीय सम्मेलन में मिर्जापुर के राजू गौतम, अभिषेक गौतम, अमरेंद्र बहादुर, जगन्नाथ पाल सहित कौशाम्बी, प्रतापगढ़ समेत अन्य जिलों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।